भारत बंद को लेकर पूरा प्रशासन टेंशन में। रीवा में लगी धारा 144, दिन भर पुलिस की होती रही बैठकें। चप्पे चप्पे पर रहेगा पुलिस का पहरा, बस ऑटो सब करेंगे चक्का जाम। केंद्र सरकार द्वारा SC ST एक्ट का अध्यादेश लागू किए जाने के विरोध में कुछ संगठनों द्वारा किए गए भारत बंद को व्यापक पैमाने पर समर्थन मिल रहा है। प्रदेश के कुछ जिलों में कर्फ्यू घोषित कर दिए जाने के बाद रीवा शहर में भी धारा 144 लगाए जाने का आदेश प्रसारित कर दिया गया है। इस बंद को लेकर जिले का प्रशासन और पुलिस भी काफ़ी गंभीर है। हम आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर पहले 6 सितंबर को भारत बंद का आह्वान शुरू हुआ था। धीरे धीरे इस बंद को लेकर स्थानीय संगठन भी खुलकर सामने आ गए हैं। शुरुआती दौर में प्रशासन इसे सामान्य ही मान रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पर हुए कथित हमले और अन्य नेताओं के साथ हुई घटनाओं को लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया। प्रशासन के पास पहुंची खुफिया खबरों के आधार पर जिला दंडाधिकारी प्रीति मैथिल नायक ने 144 धारा लागू करने के आदेश प्रसारित कर दिए हैं। लिहाजा यह माना जा रहा है कि धारा 144 लागू होने के बाद कोई भी संगठन या लोगों का समूह अगर शहर में दुकान बंद कराते पाए गए तो पुलिस उन्हें हिरासत में ले सकती है। इस बीच यह बताना जरूरी है कि रीवा के कुछ संगठन जैसे ब्राह्मण महासभा, क्षत्रिय सेना, सवर्ण सेना, बेरोजगार मंच आदि संगठनों ने इस अध्यादेश का खुलकर विरोध करते हुए बंद का समर्थन कर दिया है। वहीं ऑटो यूनियन, बस एसोसिएशन आदि ने भी भारत बंद में अपना समर्थन देने की बात कही है। आम आदमी पार्टी के भी कुछ पदाधिकारियों ने समर्थन का वायदा किया है। वहीं सपाक्स नामक संगठन ने इस आंदोलन को गति देने का बीड़ा उठा रखा है। निश्चित तौर पर यह माना जा रहा है कि भारत बंद के आह्वान पर रीवा में ऐतिहासिक बंद हो सकता है। इसी बात को लेकर रीवा जिले का पूरा प्रशासन टेंशन में है। इस बीच यह बताना जरूरी है कि 6 सितंबर को बंद के दौरान आवाजाही में भी भारी दिक्कतें होंगी, क्योंकि रीवा और सतना के बस ऑपरेटर यूनियन में अपनी बसों के चक्के जाम करने का ऐलान कर दिया है। वहीं ऑटो आदि बंद रहे तो स्थानीय लोगों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। धारा 144 के संबंध में सेक्टर मजिस्ट्रेट जितेंद्र तिवारी ने बताया कि हाँ, ये कानून व्यवस्था को देखते हुए जो वर्तमान परिदृश्य है उसको देखते हुए 144 धारा लगाई गई है, जिसमें यह है कि कोई भी धरना, कोई भी रैली, कोई भी प्रदर्शन और इस तरह से गतिविधियों पर इस पर रोक लगाई जाती है। यही प्रावधान है कि इस अवधि में जब 144 धारा लागू होती है तो इस तरह की कोई कार्यक्रम नहीं किया जाए। और साथ में जो वर्तमान परिदृश्य बना हुआ है उसमें सभी आमजनों से, सभी साथियों से, सभी नागरिकों से यही अनुरोध है और यही अपील करता हूँ कि सब इसका विरोध शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से किया जाए। किसी भी तरह से ऐसी विषम परिस्थिति उत्पन्न न की जाए और शांतिपूर्ण व्यवस्था कायम रखी जाए। सबकी जिम्मेदारी है, आम नागरिकों की भी जिम्मेदारी है कि सब शांतिपूर्ण व्यवस्था से चलता रहे।